कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती है। ऐसा लगता है कि प्रभास स्टारर साहो उन फिल्मों में से एक है। श्रद्धा कपूर की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म भी भव्यता के मामले में काफी ऊंची रही है और अबू धाबी में शूट की गई नवीनतम एक्शन सीक्वेंस इसका एक उदाहरण है। इस क्लाइमैक्स सीन के लिए 100 लड़के अबू धाबी गए थे जहां प्रभास उनसे लड़ते हैं। यह एक एक्शन से भरपूर सीक्वेंस है और इसे पिंग झांग ने कोरियोग्राफ किया है, जो इससे पहले रश आवर 3, द लास्ट समुराई एंड द हेल बॉय जैसी हॉलीवुड फिल्मों के लिए एक्शन दृश्यों को कोरियोग्राफ कर चुके हैं। सूत्रों ने बताया है और खुलासा किया है कि साहो के एक्शन सेंस के लिए एक बर्बाद जगह जैसा दिखने वाला एक सेट 10 एकड़ भूमि पर बनाया गया था और इसे एक प्रमाणिक रेगिस्तान का रूप देने के लिए उस पर विशेष काली मिट्टी डाली गई थी। प्रभास और बदमाशों को शामिल करने के लिए दुनिया भर से 100 सेनानियों की टीम को बड़े पैमानों पर कार्यवाही के लिए रखा गया था। हमें यह भी पता चला है कि इस पूरे 8 मिनट के दृश्य में निर्माताओं को 70 करोड़ रुपए से अधिक लागत आई है, लेकिन दर्शकों की उत्सुकता को देखते हुए लगता है कि चाहे कितनी भी लागत क्यों न हो, प्रभास की साहू अपनी लागत से ज्यादा ही कमा लेगी। साहू सुजीत द्वारा निर्मित और यूवी क्रिएशन द्वारा निर्मित है और भूषण कुमार की 30 सीरीज में जॉकी श्रॉफ, चंकी पांडे और नितिन मुकेश भी मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म 15 अगस्त 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इतने बड़े बजट के साथ ये फिल्म बनने जा रही है तो मेकर्स को और थोड़ा टाइम चाहिए था, इसलिए इस फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई है और अब ये फिल्म 30 अगस्त 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बॉलीवुड की ऑफिशियल अपडेट्स, फिल्म क्रिटिक्स द्वारा दी गई नई जानकारी, ट्रेलर रिव्यू, मूवी रिव्यू सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें स्पीडी न्यूज को और दबाइए बेल आइकॉन ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर पाए।